मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। साथ ही महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा है। बता दें प्रदर्शनकारी सीएम हाउस जाने की मांग पर अड़े थे, जिसके चलते पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस से की तरफ से बचे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने निकले ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया, और रोकने पर आंदोलन में शामिल हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की पुलिस जवानों से तीखी बहस भी हुई है। सीएम हाउस जाने की जिद पर अड़े कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प और धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को ले जा रहे पुलिस वाहनों के सामने कार्यकर्ता लेट गए उनको रोकने के लिए। स्वेच्छा से जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी है उनको ही गिरफ्तार किया गया है, और इन लोगों से जो भी आयोजन करता है, इन लोगों से लगातार कल से डायलॉग चल रहा था, इन लोगों से बात हुई थी कि हम एक जगह पर जमा होंगे और एक जगह पर जाके ज्ञापन देंगे। इनमें से कुछ नए लोग आए जो कि नई बातें करने लगे, उनके कारण जो है कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, बट ऐसी कोई परिस्थिति कानून व्यवस्था की उत्पन्न नहीं हुई। पुलिस ने किसी प्रकार का कोई फोर्स यूज नहीं किया है, सब लोगों से आग्रह पूर्वक जो है सबको डिस्पर्सल कराया। सर, मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग का उग्र आंदोलन जो आज राजधानी भोपाल में किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ओबीसी के सभी ओबीसी मोर्चा वर्ग के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे हैं, काफी सीएम हाउस जाने का इनके द्वारा प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा यहाँ पर इन सभी को जो कहा जाए कि गाड़ी में भरा गया है, इन सभी को जेल जाने के बाद जो है वो भी कही जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग जो है वो मौजूद हैं, सभी यहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या मांगे, किनको लेकर आज आप लोग इतना उग्र आंदोलन कर रहे हैं? क्या मैडम, क्या आंदोलन है, किसको लेकर उग्र आंदोलन कर रहे हैं? आरक्षण को लेकर के 27% जो हमारा 52% आरक्षण है उसको लेकर के हमारी मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होते हुए पिछड़े वर्ग की दम पे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार बनी। आज पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में आंदोलन हम कर्मियों के साथ में पुलिस के द्वारा मारपीट और डंडे उनसे जबरदस्ती से मारपीट की जा रही है, और जबरदस्ती से हमने अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कितना उग्र आंदोलन जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और भी लोग इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे लगातार। जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से सीएम के द्वारा बिहेवियर जो है वो साथ किया जा रहा है, सभी को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, और देखना है वाली यही होगी कि आखिर कब तक जो ओबीसी वर्गों को लेकर जो आरक्षण की बात कही जा रही है वो पूरी होती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी भोपाल। तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच ये जो झड़प हुई उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी भीड़, और हालांकि आपको बता दें बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा है। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ स्ट्रीट हेड जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, बड़ी संख्या में भीड़ और पुलिस बल दोनों के बीच झड़प हुई, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर ये रही कि महिला कार्यकर्ताओं महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी मारपीट हुई है, क्या ये बात सच है, ये आरोप जो लगाया गया है ये सच है? का जो माहौल था काफी गहमागहमी वाला था, क्योंकि सुबह कुछ दिन पहले से ही ओबीसी जो महापंचायत है उसके द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि अगर 27% का आरक्षण सरकार नहीं देती है तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा, और आज उनकी पूरी तरह से जो ओबीसी महासंघ है उनकी सीएम हाउस घेरने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस की काफी बैरिकेडिंग होने के बाद और जिस तरह से धारा 144 शहर में लगी हुई है उसके बाद उनको सीएम हाउस तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद काफी आक्रोशित हो गए और काफी पुलिस से जुमाझट की भी, प्रदर्शनकारी सीएम हाउस पहुंचना चाह रहे थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसमें कई पुलिस के साथ महिलाओं की भी झड़प हुई, पुरुषों की भी झड़प हुई। काफी जद्दोजहद के बाद हालांकि अब मामला शांत करा लिया गया है। जिस तरह से आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो जबलपुर हाईकोर्ट है उसने सरकार को आदेशित किया था कि अगले जो भर्तियां सरकार निकालेगी उसमें ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी महासंघ अभी मांग कर रहा है कि उनको जो आरक्षण है उनको 27% दिया जाए। लेकिन वही सरकार की यदि बात की जाए तो आंदोलन से पहले जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह है वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ किया
कि हम लोग ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको कोर्ट में इस मामले को न्यायालय में लड़ रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार ये बताना चाह रही है कि हम लोग ओबीसी आरक्षण के पक्ष में और हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो अभी जो भर्तियां निकाली हैं उनमें जिस तरह से जी चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।